हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का वीडियो होने वाला है द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, हाउ टू अर्न स्टारडस्ट फास्ट इन पोकेमोन गो। सो इस वीडियो में आपको तीन मेथड्स बताने वाला हूँ जो कि डस्ट ग्राइंड करने या अर्न करने के हिसाब से बहुत ही अच्छी हैं। बट पहली मेथड्स में आपको डस्ट तो कम मिलेगी बट होगी आसान, वहीं दूसरी मेथड में आपको डस्ट भी थोड़ी अच्छी मिलेगी और थोड़ी सी मुश्किल होगी, वहीं तीसरी मेथड्स में आपको डस्ट भर भर के मिलेगी बट वो होगी थोड़ी सी मुश्किल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर वन की। सो गाइस, आई नो कि पोकेमोन को खेलने में होने वाली कुछ प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है कि पोकेबॉल के स्टोरेज का भर जाना, और ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपने क्या किया होगा कि आपने जो एक्स्ट्रा बेरीज हैं यानी कि नैना बेरी या रेसबेरी, वो फेंक दी होगी। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप उन बेरीज को फेंक कर भी आप स्टारडस्ट कलेक्ट कर सकते हो तो कैसा होगा? तो आप पूछोगे भाई कैसे? तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो पोकेमोन जिम में छोड़ रखे हैं उनको आपको वो बेरीज खिला देनी है। एंड आपको एक बेरी खिलाने पर 20 स्टारडस्ट मिलेगी, और आप एक पोकेमोन को 10 बेरी खिला सकते हो, मतलब 200 स्टारडस्ट। एंड ऐसा आप 6 पोकेमोन के साथ कर सकते हो, तो टोटल 1200 स्टारडस्ट सिर्फ 2 मिनट में। और अब आप ये कहोगे कि भाई हमारा है तो कोई पोकेमोन जिम में छोड़ नहीं रखा, तो भाई आसपास कोई भी जिम होगी उसके किसी भी पोकेमोन को आप बेरीज खिला सकते हो, और हाँ ये चीज़ आप हर आधे घंटे में कर सकते हो। तो वैसे तो इसमें स्टारडस्ट बहुत कम है बट ये ट्रिक उतनी आसान है। सो अब बात करते हैं अपने मेथड नंबर टू की। सो गाइस, हर मंथ एक स्पॉटलाइट होता है जिसमें आपको मिलती है 2x स्टारडस्ट फॉर कैचिंग पोकेमोन, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जितने हो सके उतने पोकेमोन कलेक्ट करने हैं। अब नॉर्मली आपको पोकेमोन कैचने पर 250 स्टारडस्ट मिलेगी विद द हेल्प ऑफ स्टार पीस, और अगर आप स्पॉटलाइट होर में 100 पोकेमोन भी पकड़ते हो तो आपको मिलेगी टोटल 25,000 स्टारडस्ट। और स्पॉटलाइट हॉर की डिटेल्स की हर वीडियो हर फ्राइडे को चैनल पर 12 बजे आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अब बात करते हैं मेथड नंबर तीन की, जिससे कि आपको स्टारडस्ट इतनी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइस, GBL के अंदर दो तरीके से स्टारडस्ट अर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट जो है वो तो नॉर्मल बैटल जीतने पर, जिसमें डिपेंड करता है कि कौन सी लीग या कब चल रहा है एंड आपकी लेवल क्या है। क्योंकि ग्रेट लीग के टाइम पे 1200 एक मैच को जीतने पर, 3000 के आसपास 5 मैच जीतने पर, फिर जब सेट जीत जाते हैं तो कंप्लीट समथिंग ऐसे करने पर बहुत सी स्टारडस्ट मिलती है। वहीं अगर मास्टर लीग की बात करें तो 2700 एक मैच जीतने पर, 5205 मैच जीतने पर और सेट कंप्लीट होने पर 5000 के लगभग टोटल स्टारडस्ट मिलती है। 6500-7000 के आसपास टोटल आपको मिल जाती है 15,000-17,000 के आसपास एक सेट जीतने पर। आप बोलोगे कि भाई हम तो हर मैच हार जाते हैं, तो गाइस डेली लाइव स्ट्रीम होती है जहाँ 8 बजे, जिसमें हम सब्सक्राइबर्स की टीम बताते हैं, टीम टेस्ट करते हैं, तो आया करो। अब नाउ फॉर सेकंड पार्ट इन GBL, तो हर मंथ गो बैटल लीग डे होता है जिसमें आपको टोटल 100 बैटल खेल सकते हो, वहीं आपको 3x-4x स्टारडस्ट रिवॉर्ड रहता है। अब अगर मास्टर लीग चल रही है तो 8000 एक सेट जीतने पर, और गाइस ये चीज़ तो हार्ड है बट स्टारडस्ट बहुत देती है। सो अगर आपको GBL डे और अदर थिंग्स के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।